वोट करा है भाई, वोट का अधिकार संविधान ने दिया। और हमने आज ये एक अपील करी थी कि नोटा नहीं दबाना, वोटिंग करना है तो वोटिंग सबको करना चाहिए। इस तरह से आप वोट की छोड़ देने की बात, भाई दे लगा जिसको जो दुख दर्द होगा तो इसी के माध्यम से तो बताओगा, जो आंदोलन नहीं कर सकता वो इसके माध्यम से बताओगा और इसके बाद में फिर आंदोलन के माध्यम से बताओगा। तैयार दोनों चीजों पर रहना चाहिए, आंदोलन से भी वोट से भी। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए, आंदोलन और आंदोलनकारी देश में मजबूत रहने चाहिए। बहन की बीजेपी की वोट तो कोको लेगी, कोको बहुत वोट लेगा, चलिए पता चल नहीं रहा। अभी योगी जी ने बोला अगर बीजेपी को वोट नहीं करेगा यूपी बन जाएगा केरला और पश्चिम बंगाल के, तो केरला तो भाई केरला में क्या दिक्कत है? केरला में तो बहुत पढ़े लिखे लोग है, वहाँ तो 100% वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं केरला में। वहाँ की जनता और क्या देश की जनता को क्या संदेश? देखो देश की जनता को संदेश ये है कि मुजफ्फरनगर के यहाँ पे जो पोलिंग हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है भाई, और मुजफ्फरनगर अब वो ट्रायल बनना नहीं चाहता पूरे देश का कि मुजफ्फरनगर से भाई ये दंगों का शहर है। मुजफ्फरनगर की जनता ने एहसास करवा दिया कि ये शांतिपूर्ण शहर है और यहाँ पे कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश न करे। जो यहाँ पे पहले खेल और ट्रायल हुआ है वे स्टेडियम, वे मैच के जहाँ होते थे वे स्टेडियम यहाँ की जनता ने तोड़ दिए। राकेश जी 2013 बार बार याद कराया जा रहा है, वो याद नहीं करेंगे, मुजफ्फरनगर याद नहीं करेगा। 2013 का दंगे को भूल गए? भूल गए, ये याद नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी, मुजफ्फरनगर दंगे को बहुत याद दिलवाया। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोग ने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। केराना का प्लान को क्या मानते हैं? केराना का जो प्लान है, प्लान किसी चीज का नहीं होगा तो विकास नहीं होता। आप मुझे बताओ कि जो लोग यहाँ पे हैं ये क्या अपने गांव से नहीं आए? अगर यहाँ पे शहर में आ रहे तो रोजी रोटी की तलाश में आ रहे। केराने से भी बहुत जो लोग गए हैं वे अपने रोजगार की तलाश में गए हैं। नहीं, उनका कहना है कि गुंडे तबके की दबाव से इसके वजह से गए। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने काम धंधों के उससे जाते हैं। क्या लगता है बदलाव होगा जी? यूपी में बदलाव होगा क्या पता हमें? बदलाव के उसमें क्या हम बदलाव करवाने का आशीर्वाद किसके साथ है? हमारा तो भाई जनता के साथ में है, जनता के साथ ही है हम। राजेश जी एक योगी का रिप्लाई दे दीजिए, केरला हो जाएगा अगर बीजेपी जीत नहीं है तो केरला, मतलब अगर बीजेपी हार गई तो केरला हो जाएगा। तो बहुत पढ़े लिखे है केरला में, तो 90% 98% एजुकेशन है वहाँ तो केरला में, तो कम से कम एजुकेशन का ही सुधार हो जाएगा। हिजाब के क्या बात है? हिजाब का जो चल रहा है ये गलत चीजें हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। उस लड़की ने तो दिया ना जवाब, उस लड़की ने मुस्कान भाई, एक तरफ वे गुंडा तबका था, वो अकेली लड़की मैदान में रही। इनका जो फार्मूला था ये चला नहीं, यहाँ नहीं चला तो वहां चलाने की कोशिश कर रहे। नहीं मां आंदोलन यहाँ के लोगों ने चलाया, और एक यहाँ पे मिसाल कायम करी थी आज से 35 साल पहले जो टिकैत साहब ने, और आज यहाँ पे ये हो रहा कि कोई लड़की अगर बुरखा पहन के जा रही तो उस पे ये करा जाता है। क्या इसका असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़े, कोई असर नहीं पड़े इसका, और नुकसान होगा इनको। जो ये खेल खेलना चाहते थे इनको नुकसान होगा उसका। तो 58 सीटों में कितना नुकसान होगा? अरे इनका निमटा का केस